आगे बढ़ेंगे जो लखनऊ से मेरठ के बीच आसान होने जा रहा है सफर। 31 अगस्त से होगी वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत, लखनऊ से मेरठ तक चलेगी वंदे भारत। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पीएम मोदी वर्चुअली दिखाएंगे ट्रेन को हरी झंडी। हापुड़ मुरादाबाद बरेली होकर लखनऊ जाएगी ये ट्रेन। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे, लोगों के लिए एक बड़ी सौगात है। 31 अगस्त से वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत हो जाएगी, लखनऊ से मेरठ तक चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीएम मोदी वर्चुअली दिखाएंगे ट्रेन को हरी झंडी। एक और सौगात उत्तर प्रदेश को, जहां हापुड़ मुरादाबाद बरेली होकर लखनऊ जाएगी ये ट्रेन। बड़ी जानकारी है, हम खबर आपको बता दे, जहां लखनऊ से मेरठ के बीच आसान होने जा रहा है ये सफर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 31 अगस्त से वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत होगी। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अधिक जानकारी के लिए संवाददाता एसके बाजपाई हमारे साथ लगातार बने हुए। एसके बाजपाई, एक और सौगात उत्तर प्रदेश वासियों के लिए, वंदे भारत ट्रेन के शुरू होने से कितना फायदा, कितना आसान हो जाएगा लोगों के लिए? बिल्कुल, निश्चित तौर पर वंदे भारत ट्रेन स्पेशल तौर पर चलाई गई है। हालांकि ये पहले गोरखपुर से लखनऊ तक के लिए थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं इसकी जो दूरी है वो बढ़ाई जा रही है, लखनऊ से मेरठ तक के लिए होगी, जिसमें कहीं ना कहीं कोशिश होगी कि वो यात्री जो लखनऊ से NCR की तरफ जाते हैं, चाहे वो हापुड़ जाते हों या जिनको गाजियाबाद नोएडा जैसी जगहों पर जाना होता है, वो लखनऊ से मेरठ को जाने वाली इस वंदे भारत जो ट्रेन है उसका लुत्फ ले सकेंगे। क्योंकि वंदे भारत ट्रेन को स्पेशल तौर पर बनाया गया है, जिसमें देशभक्ति से ओतप्रोत चीजें लगाई गई हैं और कहीं ना कहीं जो भारतीय संस्कृति है उसके जरिए और ट्रेन की सुविधा किस तरीके से लग्जरी की जा सकती है, वो बहुत सारी चीजें इसमें ध्यान रखी गई हैं। चूंकि 31 तारीख को इस ट्रेन का शुभारंभ होना है, जिसको लेकर रेलवे ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और जल्द ही वंदे भारत ट्रेन को प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से हरी झंडी दिखाकर इस लखनऊ से मेरठ तक की सेवा का शुभारंभ किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं उन यात्रियों को खासा फायदा होगा जो लखनऊ से मेरठ या NCR के जिलों में जाते हैं या जिनका लगातार उधर आना जाना होता है। हालांकि इसके लिए और भी कई ट्रेनें हैं, लेकिन वंदे भारत स्पेशल चूंकि ट्रेन है, तो कहीं ना कहीं इसके जरिए से कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा यात्रियों को उसका फायदा मिल सके और उन रूट्स पर भी यात्री वंदे भारत ट्रेन के जरिए पहुंच सके, जिन रूट्स पर अभी तक कहीं ना कहीं काफी संख्या है यात्रियों की और ट्रेनों की उपलब्धता कहीं ना कहीं कम है, क्योंकि बड़े पैमाने पर यात्री इस रूट पर सफर करते हैं। ठीक है, इसके बाद में तमाम जानकारी के लिए जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।